अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम लोग अर्जेंटीना टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा वीज़ा लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और वीज़ा कॉस्ट क्या है, आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं टूरिस्ट वीज़ा पर वीडियो बनाता रहता हूँ। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अर्जेंटीना जो सदर्न मोस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ है पूरे दुनिया में, ओवर 1 मिलियन स्क्वायर माइल्स। ये कंट्री में वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहाँ स्काई रिजॉर्ट एंड ग्लेशियर है, वो भी सब अंटार्कटिक में साउथ की तरफ, और डेजर्ट एंड जंगल है सब ट्रॉपिकल नॉर्थ की तरफ, और बीच में ब्यूटीफुल सिटीज़ है जैसे ब्यूनोस आयर्स और लैपलेट, और भी बहुत सारी सिटीज़ है। ये कंट्री अपने कल्चर से और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर से भी जाना जाता है। इस कंट्री को मदर ऑफ नेचर भी कहा गया है। ये कंट्री को जन्नत कहा गया है बैकपैकर और एडवेंचरस वालों के लिए। अर्जेंटीना बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ की तरफ बोलीविया से एंड पैराग्वे से, और ईस्ट में ब्राज़ील एंड यूरेग्वे से, और वेस्ट में चिली से। यहाँ की कैपिटल है ब्यूनो एरिस, और इसे साउथ अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। यहाँ की करेंसी है अर्जेंटीना पेसो। अब बात करेंगे कि हम लोग को अर्जेंटीना जाने के लिए वीज़ा लगेगा। जी बिल्कुल लगेगा। अर्जेंटीना जाने के लिए हम लोग को लगेगा प्रॉपर वीज़ा, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है इंडियंस के लिए, और यहाँ की वीज़ा की वैलिडिटी 90 डेज की होती है। अगर आप कोई साउथ अमेरिका कंट्री से हैं, फॉर एग्जांपल बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, पेरू, यूरेग्वे या वेनेजुएला, तो आपको वीज़ा नहीं लगेगा। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, प्लस 18 आपका एज होना चाहिए, वरना पेरेंट्स का अप्रूवल देना होगा। ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी मांग लेते हैं, वरना एज मैटर नहीं करता। ये आपके सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है अर्जेंटीना का टूरिस्ट वीज़ा। स्टेप वन है, गैदर करना होगा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। अप्लाई करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी और 2 ब्लैंक पेजेस होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो अवेलेबल है कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेशन वेबसाइट में, 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल जैसे बैंक स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ आइटिनरी और राउंड ट्रिप टिकट। स्टेप टू, आपको शेड्यूल करना होगा अपॉइंटमेंट। जब आप वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा, आपको कॉन्टैक्ट करना होगा रेवलेंट कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेशन से, जो शेड्यूल करेगा आपका अपॉइंटमेंट और अरेंज करेगा आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन, और वो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन भी देगा वीज़ा एप्लीकेशन। स्टेप थ्री, कंप्लीट द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको फिल करना होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एक्यूरेटली और कम्प्लीटली, पूरा एकदम सही से फिल करना है। आपको प्रोवाइड करना होगा नेसेसरी इंफॉर्मेशन, देन अटैच करना होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। मेक श्योर सब ऑर्डर में रहे। आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना है, कहीं ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फॉर्म प्रिंट करवाना है, बट बैक टू बैक पेजेस में नहीं, आपको 3 सेपरेट पेजेस में करवाना होगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ मिसिंग होगा तो। हर एक टूरिस्ट को सबमिट करना होगा सेपरेट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। एज मैटर नहीं करता है, और पेज 3 में आपको अभी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होगा जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा वहाँ पर। स्टेप 4 है, पे द वीज़ा फीस। आपको वीज़ा फीस देना होगा, आपको वीज़ा फीस पे करना होगा, जो डिपेंड करता है कौन से टाइप का वीज़ा है और आप कितने दिन स्टे कीजिएगा। पेमेंट कैश में भी होगा और बैंक ट्रांसफ़र भी हो जाता है। स्टेप 5 है, अटेंड करना होगा इंटरव्यू। आपका कौंसलर ऑफिसर के साथ इंटरव्यू होगा जैसे हर एक एप्लीकेंट का होता है, और वीज़ा सेक्शन ओपन होता है सुबह 9:30 बजे से दिन के 12:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और अर्जेंटीना और इंडियन पब्लिक हॉलीडे में एम्बेसी क्लोज होता है। अपॉइंटमेंट वाले दिन अटेंड करना होगा इंटरव्यू एट द कौंसलर रिप्रेजेंटेशन। आपको प्रिपेयर रहना होगा क्वेश्चन आंसर्स अबाउट योर ट्रिप, और प्रोवाइड करना होगा एडिशनल डॉक्यूमेंट इफ अगर रिक्वायर्ड होगा तो। स्टेप 6 है, ट्रैक योर वीज़ा एप्लीकेशन। इंटरव्यू होने के बाद
आप ट्रैक कर सकते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेशन वेबसाइट से, और आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया आप कलेक्ट कर सकते हैं अपना पासपोर्ट एंड वीज़ा कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेशन से। और अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप लाइफ टाइम बैन हो जाइएगा अर्जेंटीना से। तो फॉर्म फिल करने से पहले चेक कर लीजिएगा अच्छे से। और इसकी एम्बेसी है न्यू दिल्ली में और कॉन्सुलेट है मुंबई में। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है 10-15 वर्किंग डेज लगता है, हो जाता है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ का होना चाहिए। अर्जेंटीना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म 2023 का ये कंप्लीट होना चाहिए और साइन होना चाहिए। आप डाउनलोड कर सकते हैं एम्बेसी से अर्जेंटीना के वेबसाइट से और ऑब्टेन कर सकते हैं अपने नियरेस्ट कॉन्सुलेट से। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, रीसेंट होना चाहिए, कलर में होना चाहिए पर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। रिटर्न फ्लाइट टिकट होना चाहिए, होटल रिजर्वेशन होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए और क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इसमें एडेड है अर्जेंटीना के टूरिस्ट वीज़ा में, आपको ये देना होगा। अर्जेंटीना का वीज़ा एप्लीकेशन का जो फीस है वो है 12,415 रुपीस, जो हुआ है फेब 2023 से। इम्पॉर्टेंट अपडेट है इंडियन सिटीजन के लिए अर्जेंटीना वीज़ा के रिगार्डिंग। अगर आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं ई वीज़ा और ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन फॉर टूरिज्म पर्पस। इफ़ अगर आपके पास B2 US वैलिड वीज़ा हो 6 मंथ का, या फिर कैटेगरी C शेंगेन वीज़ा हो वैलिड 6 मंथ का, तो आप इजीली ई वीज़ा या ऑब्टेन कर सकते हैं। ये थी अर्जेंटीना टूरिस्ट पे कंप्लीट डिटेल। होप आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं मेक्सिको के टूरिस्ट वीज़ा पे वीडियो बनाया हूँ कंप्लीट डिटेल में। अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन आ रही होगी, आप देख सकते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।